हेलो एवरीवन, आज 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें डेल्टा कॉर्प की तो कैसीनो और गेमिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ ये बहुत ही बड़ा शेयर है। ये 71 रुपीज के ऊपर ट्रेड करा, एक बहुत बड़ी गिरावट आई, क्योंकि भैया हम सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते हाल फिलहाल सारे के सारे लोग अपने घर पर है, कोई बाहर कैसीनो में खेलने नहीं जा रहा है और 71 रुपीज के ऊपर है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और तो और कल इनके नतीजे भी आ रहे हैं तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 71 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में डेल्टा कॉर्प के शेयर में 5-5.5% का ग्रोथ जरूर है। 73 रुपीज के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, 66 रुपीज पर पहुंचा, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में डेल्टा कॉर्प में 61-62% की भयंकर गिरावट है, 220 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया। देखिए, और जब लॉकडाउन और जब कोरोना बहुत ज्यादा हावी होना शुरू हुआ, जब इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि भैया कोई इस देश से उस देश में नहीं जा सकता, शेयर में गिरावट आना शुरू हो गई। उसके बाद और ज्यादा गिरावट आई जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि भैया कोई कैसीनो में खेलने तो नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है और इनका जो बिजनेस है वो बंद पड़ा है। इसका बिजनेस सिर्फ कैसीनो ही नहीं, हॉस्पिटलिटी से भी जुड़ा हुआ इनका बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन जा रहा है लॉकडाउन के चलते। और अभी लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है तो वो भी देखने वाली बात होगी कि किस दिशा में इनका बिजनेस ज्यादा है और नतीजे जो आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, वो भी देखने वाली बात है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो डेल्टा कॉर्प में 57% की गिरावट है, 380-390 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है और काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 10 साल की भी अगर हम बात करें तो डेल्टा कॉर्प का जो शेयर है उसमें 99% का ग्रोथ है। ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 31 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करता था, तेजी आई, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। 2016 में यह शेयर 55 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ऐसी रैली आई कि 2018 आते आते शुरुआती दौर में ही शेयर 390 तक पहुंच गया। अब देखिए, 50-55 का शेयर 2 साल से भी कम वक्त में सीधा पहुंच जाता है 390 रुपए के करीब, एक बहुत बड़ी रैली आई थी। लेकिन अब उतनी ही बड़ी गिरावट आई है और वही 2018 में 390 पर ट्रेड करने वाला शेयर आज 2020 आते आते 70 रुपए के ऊपर आ चुका है। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 1880 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 8 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो आप देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, 32.77% की होल्डिंग है प्रमोटर की। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी डिक्रीज की है, क्योंकि भैया सबको पता है कि लॉकडाउन लग गया, कोरोना की सिचुएशन है तो शेयर में गिरावट आएगी ही आएगी। 19.94% की जो होल्डिंग थी वो अब 16.07% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 5.74% की होल्डिंग थी वो 6.95% की होल्डिंग रह चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 0.93% की होल्डिंग थी आज 0.42% की होल्डिंग है। बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है इंश्योरेंस कंपनी में और एफआईएस के शेयर में, लेकिन म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग जरूर बढ़ाई है। प्रमोटर के पास 32.77% की होल्डिंग है, उसमें से 11% जितनी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग कौन है यहाँ पर, तो अदिति मोदी फैमिली है जिनके पास 10.85% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 5 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 49 एफआईएस यहाँ पर निवेशित है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर देखिए कौन है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, 6.40% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 28.06% की देखने को मिल रही है। 75% का डिविडेंड पे करना है और ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड है इस साल का, ठीक है, और भी डिविडेंड पे करेगा ये, मतलब 75 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है। सबसे पहले मैं आपको डेल्टा कॉर्प की वेबसाइट पे ले जाऊंगा, तो ये उनकी वेबसाइट है जिसमें गेमिंग से लेकर और कई सारी फैसिलिटीज है, जैसे कि पहले आप देखते हैं गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी। सबसे पहले हम जाएंगे गेमिंग के ऊपर, तो गेमिंग बिजनेस में इनका जो कैसीनो का बिजनेस है, गेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी यहाँ पर बिजनेस देखने को मिल रहा है। और तो अगर मैं यहाँ पर इनके गेमिंग बिजनेस पर जाता हूँ, कैसीनो के बिजनेस पर जाता हूँ, तो सबसे बड़ा जो इनका ऑपरेशनल है वो गोवा में है। गोवा में देखिए, डेल्टी रॉयली में इनका देखिए, एशियाज लार्जेस्ट लाइव ऑफशोर गेमिंग कैसीनो विथ 5 ऑपरेशनल डेक। एशिया का सबसे बड़ा लाइव ऑफशोर गेमिंग कैसीनो है ये 5 ऑपरेशनल डेक के साथ,
जिसका अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो 40,000 स्क्वायर फुट का ये एरिया है, और साथ में जो गेमिंग एरिया है वो 24,000 स्क्वायर फुट से भी ज्यादा है, और 2013 से ये काम काज कर रहे हैं। गेमिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो ऑफरिंग मोर देन 950 लाइव गेमिंग पोजीशन, तो देखिए 950 से भी ज्यादा लाइव गेमिंग पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। 118 टेबल है, 60 स्लॉट मशीन है, और इंडिया लार्जेस्ट पोकर रूम भी है यहाँ पर। इंडिया का सबसे बड़ा पोकर रूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4 सेपरेट VVIP एंड VIP गेमिंग सूट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। होटल एंड F&B फैसिलिटीज के अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर मेंशन है। काफी बड़े होटल्स यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। आप देखिए 10,000 स्क्वायर फीट सोली डेडिकेटेड टू डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा है। वेगस मल्टी कैसिनो रेस्टोरेंट भी है, विस्की लॉन्च भी है, रूफटॉप बार भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तो और अगर डेल्टिन जैक की भी अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर है, और 450 लाइव गेमिंग पोजिशन है। काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो सिर्फ एक की बात हुई, डेल्टिन रॉयल की बात हुई। इसी तरीके से डेल्टिन जैक आप देखें, डेल्टिन कारविला भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डेल्टिन सूट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिक्किम में भी इनके ऑपरेशनल्स है, दमन में भी इनका ऑपरेशनल्स है। तो भैया मतलब दमन में आ रहा है, काफी कम वक्त में दमन में भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आप देखिए 60,000 स्क्वायर फीट का गेमिंग स्पेस वहां पर देखने को मिलेगा, और मोर देन 1,200 गेमिंग पोजीशंस भी देखने को मिलेगी। तो काफी बड़े इनके प्लान्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और तो और गोवा में सबसे बड़ी फैसिलिटीज भी इनकी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इनके हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की तो 106 रूम एंड ऑल सूट होटल भी है, 24/7 वेगस रेस्टोरेंट्स भी है, विस्की लॉन्च बार, फ्री वाईफाई, जिम स्पा वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। और तो और अगर इनका दमन ऑपरेशनल है वो भी अगर बहुत ही कम वक्त में आने वाला है, तो ये तो गोवा ऑपरेशनल की बात हुई, दमन ऑपरेशनल भी है तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिजनेस है वो इनका आने वाले दिन में और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर हम डेल्टा कोर्प की अगर मैं आपको बात करूं तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। PE 10.39 का है, काफी कम है क्योंकि इंडस्ट्री PE 37.85 है। बुक वैल्यू 71 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के आसपास है, EPS 6.88 है, और डिलीवरी आप देख सकते हैं कि 63.86 की है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 57% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 29% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 14% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और तो और आप देख सकते हैं कि डेल्टा कॉर्प शेयर ऑफ डे हायर आफ्टर राधा कृष्ण दमानी कट स्टेक बट जल्दी रिमेन। तो देखिए डेल्टा कॉर्प में राधा कृष्ण दमानी जी ने कुछ हिस्सेदारी खरीदी थी, बाद में थोड़ी सी हिस्सेदारी इन लोगों की उन्होंने कट डाउन करी, लेकिन एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी डेल्टा कॉर्प में जो इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी, उनके पास देखने को मिल रही है। नतीजे की बात करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 55 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, सेप्टेम्बर में भी तकरीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट बुक था, जून में 40 करोड़ का प्रॉफिट बुक था, मार्च में भी 55 करोड़ का प्रॉफिट बुक था, दिसंबर में 50 करोड़ का प्रॉफिट बुक था। तो हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, एक भी क्वार्टर में इन लोगों ने लॉस नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो बिजनेस है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रूम हो रहा है। और तो और 18 मई को इनके ऑडिटेड रिजल्ट आने वाले हैं, और फाइनल डिविडेंड भी उस दिन पेश होगा। तो कल का दिन मतलब कल ही आने वाले हैं, तो कल का दिन काफी बड़ा रहेगा। देखने वाली बात होगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि मार्च महीना पूरा बर्बाद हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें गोवा में और बाकी अदर फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बिजनेस उनका वहीं से होता है। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर बैन होती है, क्योंकि भैया फॉरेन से भी काफी लोग आते हैं खेलने के लिए कसिनो और हर जगह पे, और इंडिया के भी अलग 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 हिस्सों से लोग जाते हैं वहां पर। तो अभी तो सारी चीजें लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, कसिनो सारे इनके बंद पड़े हुए हैं, शुरू कब होंगे ये अभी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अभी तो लॉस थोड़ा बहुत हमें मार्च क्वार्टर में देखने को मिलेगा, मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, और हो सकता है कि जून क्वार्टर में लॉस भी हमें देखने को मिले, लेकिन उसके कंपैरिजन में शेयर ऑलरेडी काफी नीचे गिर रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद थोड़ा बहुत सस्ता अभी ये डेल्टा कॉर्प का शेयर मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे जिस दिन लॉकडाउन हट गया, जिस दिन कसिनो खुलने की परमिशन मिल गई, याद रखिए शेयर में एक बड़ा उछाल भी हमें देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि एक साल के अंदर शेयर में उतना दमखम तो है कि 100 रुपए तक पहुंच सके। अभी मुझे मैं मानता हूँ डेल्टा कॉर्प में शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट जरूर आ सकती है, लेकिन तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर, अगर हम जैसे ही चीजें नॉर्मल हो जाएगी तब। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और अगर खरीदारी नहीं की है, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन
एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिएगा। बॉटम अभी भी नहीं बना है, हो सकता है कि शेयर में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल जाए, लेकिन अगर वो गिरावट आती है तो खरीदारी करने का बढ़िया ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो अगेन पहले अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20-25 शेयर खरीदिए, अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो और 20-25 शेयर खरीदिए। इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो है वो बढ़ाती जाइए। तो आप और एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि भैया आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेडिंग जरूर करिएगा। तो उसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। डेल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।